मौज बना हिट हो जा। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में अपना टैलेंट दिखाओ और मौका पाओ जजेस से मिलने का और साथ ही 6 लाख रुपए जीतने का। चीनी और नमक, इसका इस्तेमाल हर कोई करता है। जी हाँ, सब्जी से लेकर सैलड में और हर एक चीज में अगर नमक ना हो तो स्वाद अधूरा लगता है। और ऐसे में हर किसी को खाने के बाद कुछ मीठा भी खाने का मन करता है, तो ऐसे में मीठी चीज और नमकीन चीज दोनों ही लोगों को काफी पसंद होती है। लेकिन कहते हैं कि दोनों को सीमित मात्रा में खाना चाहिए, जहाँ इन दोनों में ही पोषक तत्व मौजूद होते हैं। लेकिन अगर इनकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो ये आपकी बॉडी में नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि हमें किसी चीज़ के साथ कुछ खाना चाहिए तो कुछ के साथ कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। क्या चीनी और नमक पर भी यही अप्लाई होता है? तो आपको बता दें कि चीनी और नमक, जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि अगर हम इसका घोल बनाकर साथ में पियेंगे तो यह हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। नमक और चीनी के पानी का अगर घोल बनाकर पीते हैं तो इससे हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। इसके साथ ही ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। चीनी और नमक के पानी का जो घोल होता है वो हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है, हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। इसलिए नमक और चीनी का साथ लेना, यानी कि अगर इसका घोल बनाकर हम पीते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए हेल्दी होता है। लेकिन ध्यान रहे, इसका भी आप सीमित मात्रा में ही सेवन करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।